नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। मैं हूं अरविंदर सिंह। रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ग्रामीणों के साथ सफाई अभियान में लिया हिस्सा। प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति में कमी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के बीच टकराव से मेडिकल कॉलेज के कार्य में आई रुकावट, कहा विधायक विजय अग्निहोत्री ने। जय जवान जय किसान सेवा संगठन के संयोजक सीताराम भारद्वाज ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा। रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। सबसे पहले एच टुडे चैनल की एक खबर फिर से, जिस पर हुआ है बहुत बड़ा असर। कई दिनों से बीजेपी कार्यालय वीर कमल में पसरी गंदगी और झाड़ियों को आज भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने साफ किया है। गत कुछ दिन पहले ही एच टुडे चैनल पर बीजेपी कार्यालय के आसपास पसरी गंदगी की खबर को एच टुडे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संज्ञान लेते हुए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सफाई अभियान किया है। एच टुडे चैनल की खबर का एक बार फिर से दिखा असर और कई दिनों से बीजेपी कार्यालय वीर कमल में पसरी गंदगी और झाड़ियों को आज भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने साफ किया। गत कुछ दिन पहले ही एच टुडे चैनल पर बीजेपी कार्यालय के आसपास पसरी गंदगी की खबर को प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संज्ञान लेते हुए आज सफाई की। गौरतलब है कि एच टुडे पर खबर प्रसारित करने के दौरान बीजेपी मंडला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि बीजेपी कार्यालय के बाहर लगती जमीन बीजेपी के नाम नहीं है, लेकिन आज कार्यकर्ताओं ने आसपास की सभी जगह सफाई की, जिससे बीजेपी नेताओं की करनी और कथनी का पता चल रहा है। वहीं अगर भाजयुमो कार्यकर्ताओं की दबी जुबान में केवल यही कह रहे हैं, वहीं भाजयुमो कार्यकर्ता भी दबी जुबान में यही कह रहे हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर सफाई की है, लेकिन असल में सफाई करने के पीछे गत दिनों दिखाई गई खबर रही है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लेते हुए आज पार्टी कार्यालय की सफाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तौर पर मनाया जाता है। इसी उपलक्ष पर आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने निवास स्थान समीरपुर में ग्रामीणों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर धूमल ने जहां लोगों को अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखने का संदेश दिया, तो वहीं गंदगी को दूर भगाने और स्वच्छता अपनाने के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान भी किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तौर पर मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने निवास स्थान समीरपुर में ग्रामीणों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर धूमल ने लोगों को अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखने का संदेश दिया और कहा कि गंदगी को भगाने और स्वच्छता अपनाने के लिए लोगों को आगे आने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज हमें प्रण लेने की जरूरत है और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को मिलकर सफाई का जिम्मा उठाना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ सकेगा। धूमल ने कहा कि पुराने जमाने में भी लोग स्वयं ही सफाई करते थे, तो आज क्यों करने से शर्मा रहे हैं। सफल बनाए, लगातार करते रहे। स्वच्छता अभियान केवल एक दिन का अभियान नहीं है, इसका अर्थ है कि जिंदगी में एक आदत डालना, प्रतिदिन प्रतिक्षण साफ रहना, सुथरा रहना और सबके लिए काम करके रास्ते साफ रखना, सारा क्षेत्र साफ रखना। तो आओ इस आदत को पक्का कर लें कि हम रोज साफ सुथरा रहेंगे, अपने घर को साफ रखेंगे, अपने घर के रास्ते को, अपने गांव के रास्ते को साफ रखेंगे, अड़ोस पड़ोस को साफ रखेंगे और फिर महात्मा गांधी के सपने को, एक स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, आओ हम सब मिलकर उसको सफल बनाएं और भारत को तभी स्वच्छ बना सकेंगे जब हम अपना गांव, अपना घर, अपने रास्ते साफ रखेंगे, सफाई को आदत बना लेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर को ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आएं पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नए लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटन सिद्ध हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762888942339390। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। गणपति इंटरप्राइजेस लावा मोबाइल हमीरपुर। हमारे यहाँ उपलब्ध हैं लावा के हर तरह के मोबाइल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल होलसेल और रिटेल किए जाते हैं। ग्राहकों की हर सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल का ऑथराइज सर्विस सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर ग्राहकों को दी जाती है बेहतरीन सर्विस। दुनिया का जाना माना नाम लावा मोबाइल। तो आप चाहते हैं मैं लोगों को बोलूं कि आपका फोन बहुत रिलायबल है? सर, लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से होकर गुजरता है। मैं कैसे मानूं? सर, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। ओहो, गलती से गिर गया। टूटा तो नहीं? नो सर, हमने इसके लिए भी टेस्ट किया। जस्ट वन ऑफ द 1000 टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल। ऐसा कोई टेस्ट जो आपने नहीं किया? सर, वो आपकी क्या चिंता। यार, लोगों को ये बोलने से पहले कि आपके फोन्स रिलायबल हैं, I have to be sure। वैसे लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से गुजरता है। एक्स्ट्रा टॉवल लाना चाहिए था, कॉल करके मंगवा लेंगे। ओह नो, फोन अंदर नहीं आया, खराब हो जाएगा। नो सर, इसके लिए भी टेस्ट किया सर। जस्ट वन ऑफ द 1000 टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल, नेवर लेट्स यू डाउन। जब भी लेना हो लावा मोबाइल, आए गणपति इंटरप्राइजेस हमीरपुर। हमारा पता है गणपति इंटरप्राइजेस न्यू रोड ऑपोजिट इलाहाबाद बैंक हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816789389 9805816833। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वच्छ भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए हमीरपुर शहर में जागरूकता रैली निकाली और लोगों से स्वच्छता को अपनाने के प्रति आह्वान किया। सुबह के समय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या और बाल स्कूल के बच्चों और छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हमीरपुर में स्कूली छात्रों ने स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने बाजार में स्वच्छ भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए जागरूकता रैली निकाली और लोगों से स्वच्छता के प्रति ध्यान रखने का आह्वान किया। सुबह के समय कन्या और
बाल विद्यालय हमीरपुर के छात्र छात्राओं ने हाथ में तख्तियां लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। कन्या विद्यालय हमीरपुर की छात्रा अवंतिका ने बताया कि एनएसएस की छात्राओं ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली है और गांधी के सपने को साकार करने के लिए छात्र कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से ये भी संदेश दिया जा रहा है कि लोग भी अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखें। और हम सभी एनएसएस की गर्ल्स जो हैं वो आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपने शहर की सफाई करने के लिए एक रैली निकाल रहे हैं और सभी शहर को के लोगों को अवेयर करने के लिए ये रैली हमने निकाली है, ताकि जो गांधी जयंती का जो शुभ अवसर है उस पर जो गांधी जी का सपना था देश को स्वच्छ करने का, उसके लिए लोगों को अवेयर कर सकें। और साथ में हम जितना भी कचरा साथ में दिखाई दे रहा है उसे उठाते जा रहे हैं, ताकि लोग भी हमसे प्रेरणा लें और कुछ सीखें। और इसलिए हम एनएसएस की जितनी भी गर्ल्स हैं, क्योंकि एनएसएस का ये नेशनल सर्विस स्कीम, तो हम अपनी सर्विस दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि सभी देश के लोग भी हमारी तरह ऐसी सेवा करें, अपने आसपास की सफाई रखें और लोगों को भी साफ रखने के लिए बोलें। और जो एनएसएस का उद्देश्य है, दैट इज नॉट मी बट यू, मतलब मुझे नहीं बल्कि आप लोगों को, हमें खुद तो काम करना है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करना है और दूसरों के अंदर वो भाव पैदा करना है कि वो उस काम को कर सकें और उनके अंदर वो जील होगी हम अपने देश के लिए दूसरों के लिए काम करें, ताकि हर हमारे देश का हर इंसान जो खुश रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। आज जैसे विदित है कि 2 अक्टूबर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है, और जैसे प्रधानमंत्री जी का, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक सबके लिए मैसेज है कि स्वच्छता ही सेवा है, उसी संकल्प को लेकर जो है आज वह स्वच्छता का जो हमें अब कार्यक्रम कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने महात्मा ये अपने राष्ट्रपिता गांधी जी की जो प्रतिमा है इसकी साफ सफाई करी थी, और ये जो है साफ सफाई के साथ एक जो है स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम। हमीरपुर बॉयज स्कूल के एनएसएस के जो हमारे छात्र हैं, इन्होंने जो 2 अक्टूबर में जो स्वच्छता अभियान जो हमारा पखवाड़ा चला हुआ है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 50 जो है जो हमारे छात्र हैं, स्वयं से भी छात्र हैं, उन्होंने अभी ये झांकी निकाली है अपने स्वच्छता के अभियान के ऊपर। एनएसएससी के जो हमारे कैडेट हैं, इनके साथ मिलकर जो स्वच्छता अभियान के लिए उठाना हुआ है कि हम हर एक घरों घरों तक ये संदेश पहुँचाएंगे और हर एक जो है नदी, जो नालियाँ वगैरह हैं, जो आसपास की गंदगी है उसको साफ बनाएंगे और लोगों को भी इसके बारे में हम प्रेरित करेंगे, ताकि आसपास का इलाका जो साफ सुथरा रहे। जोलसप्पड़ में जनसभा के दौरान विधायक विजय अग्निहोत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखेंद्र सिंह सुक्खू व प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। विधायक विजय अग्निहोत्री ने कहा कि चुनावी मौसम आने पर कई लोग जनता को गुमराह करने के लिए जनता के बीच विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। कुछ नेता मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविक सच ये है कि प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति में कमी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के बीच टकराव व कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध न करवा पाने से मेडिकल कॉलेज के कार्य में देरी हुई है, साथ ही नदौन का विकास भी रुक गया है। जोलसप्पड़ में जनसभा के दौरान नदौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखेंद्र सिंह सुक्खू पर हमला बोला है। बिलासपुर में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के लिए निमंत्रण देने पहुंचे नदौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने ग्राम पंचायत जोलसप्पड़ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनावी मौसम आने पर कई लोग जनता को गुमराह करने के लिए जनता के बीच विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। कुछ नेता मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सत्य है कि प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति में कमी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के बीच टकराव के कारण कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध ना करवाने से मेडिकल कॉलेज के कार्य व नदौन का विकास रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाएगा। छात्री के लिए 40,000 से 50,000 रुपये मिलता है, 25,000 रुपये मिलता है, ऐसे बहुत सी सुविधाएं, और जो वो पैसा है वो पैसा इस प्रदेश में या जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रेक्टर हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, उनकी जो उनसे 1% उस काम के जो होता है उसका 1% सेस कटता है, वो उस फंड में जाता है और लेबर सेस होता है, उसमें कुछ सेंटर की गवर्नमेंट पैसे डालती है, उसमें थोड़ा प्रदेश का शेयर भी होता है और उस सारे चीज को प्रदेश की गवर्नमेंट ऑपरेट करती है,
और गवर्नमेंट ऑपरेट करती है तो इस करके ये बिना किसी पद के भी कंस्टिट्यूशन के भी ये दुकानदारी की तरह इन्होंने बेचा है। प्रधान जी ने और हम सब लोगों ने भी जो कार्ड बना के दिए है उन कार्डों को इन्होंने रुकवा के रखा है। और सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि जिस व्यक्ति ने जिस महिला ने बेचारी ने बहुत लंबा काम किया है और गरीब है उसको नहीं दिया गया है, और जिसने दो दिन भी काम नहीं किया है सीटू और इंटेक वालों से उसको वेरीफाई करवाकर उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की है वो एक भ्रष्टाचार है। और इस करके ये केवल और केवल अपने लोगों को अलता बांध रेबड़ियां फिर अपने को दे वो वाली कहावत चरितार्थ करते हैं, लेकिन हमारी सरकार आने पर सारे एक डिजर्विंग व्यक्ति को ये सारे लाभ मिलेंगे। इस बात की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बात के लिए भी, क्योंकि एक तो अब बचे ही वो लोग हैं जो उनके साथ नहीं है, दूसरा आरटीआई उसमें आप बिल लेबर वेलफेयर ऑफिस से है, यहाँ लेबर वेलफेयर ऑफिसर से पता करवा सकते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन किसने की। सरकार बताए इन्होंने क्या किया और जो विकास के काम उसमें चले थे, सीएससी नदौन की बात यहाँ चली थी, जहाँ जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में बुरी हालत है। हम पीछे मोदी जी के जन्मदिन के दिन वहां गए थे तो वहां लगा कि लोग किसी ने बताया कि मैं चारपाई भी घर से लेके आया हूँ, और अपने को भी आत्मग्लानी होती है कि हम क्या कर रहे हैं। और वो जो वहां बिल्डिंग बन रही है इतनी धूमल जी उसका शिलान्यास करके गए हैं, तब से जो काम हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में जो टेंडर अवार्ड हुआ था उसी अवार्ड के ऊपर काम हुआ है, उसके आगे आज काम नहीं हो रहा है। नदौन के लोगों को पिछले 10 दिन पहले वहां इंद्रपाल चौक पे धरना देकर बैठना पड़ा, 2 दिन का अनशन उन्होंने किया कि इस हॉस्पिटल की सुध कोई लो, लेकिन नहीं हो रहे। वहां तो ऐसी खंडहर बढ़ गया है कि वो जो आधी दूरी बिल्डिंग है उसमें बारिशों में ऐसे सवाड़ी सी जमी है कि ऐसे लगता है पता नहीं कितनी पुश्तों का पहले बनी थी जो गिर रही है। आज कांगू के हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो बनकर पिछले 3 साल पहले तैयार हो गई थी आज तक वो जनता को समर्पित नहीं हो पा रही है। और वहां के प्रधान ने पीछे अखबार में दिया कि जी राजा साहब इसको भी ऑनलाइन ही कर दो। तो आने वाले समय में जब इस प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है धूमल जी के नेतृत्व में, जब सरकार बनेगी यहाँ की और जो समस्या है, चाहे वो आपकी शनकर की समस्या है, चाहे जसकोट की समस्या है, चाहे सोर्ड की है, चाहे सोरी की है, चाहे लंगोट की है, चाहे कोला प्लासड़ी की है, चाहे लाड़ की, जहां की भी होगी, कहीं रास्ते की समस्या होगी, कहीं पानी की समस्या होगी, पानी की समस्या को देखकर मुझे एक और बात याद आई कि 1.5 महीना पहले आदरणीय प्रधान जी ने मेरे को फोन किया कि आप हमारे यहाँ ट्यूबवेल का प्रबंध करवाओ और हमें पानी दो। मैं उसके बाद एक्शन और एसटी से मिला, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया आप कर दो, मैं बाकी हम कर देंगे। मैंने कहा चलो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने कहा कि वो फिजिबल नहीं हो पाया, इस करके पर्कुलेशन बेल के लिए मैंने उसको अपनी एमएलए प्रायोरिटी में डाल के दिया, उसका टेंडर भी हो गया, उसका काम भी शुरू होने वाला है। इस दौरान पंचायत प्रधान सोमा देवी व भाजपा नेता ताराचंद ठाकुर ने विधायक का स्वागत किया और विधायक द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल में करवाए गए पंचायत वासियों के कार्य के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजे फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजे फैशन पॉइंट जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट अपोजिट दीप एंड कंपनी नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आर के हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन प्रोपराइटर आर के हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा
MS ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव MS गायनी, डॉक्टर MN कमाल MD पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया DM कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही DM न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिर्डी DM पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही RK हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। RK हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर की दीवारों को बनाए मजबूत, घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस, हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा, अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास प्लीज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452118163351414। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के बड़सर विधानसभा सीट से जहां दोनों ही राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का नाम का चयन करने में लगे हैं, तो वहीं जय जवान जय किसान सेवा संगठन के संयोजक सीताराम भारद्वाज ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। टप्पा डढ़वाल के बिजड़ी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर उन्होंने अपने समर्थकों से आज ही जुट जाने का आह्वान किया है। जय जवान जय किसान सेवा संगठन के संयोजक सीताराम भारद्वाज ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने टप्पा नटवाल के बिजड़ी में चुनाव कार्यालय उद्घाटन कर 110 बूथ समर्थकों से बैठक की। इस दौरान बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 110 बूथों के प्रभारी भी नियुक्त किए गए। युवा नेता सुशील शर्मा को युवा विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारद्वाज ने कहा कि क्षेत्र के नेताओं ने जनता को लूटने का काम किया है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार में जुट जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कमांडेंट प्रेम सिंह, एक्स सर्विसमैन सेल लीग के अध्यक्ष मोहन लाल प्रधान, जगत राम प्यार सिंह, बिमल भारद्वाज इत्यादि उपस्थित रहे। वो दिन आ गया है, अब आप क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हो आप? आपको जिताना, आप नहीं मांग रहे। तो आप लोग का जो मिशन है, आप लोगों की जो तमन्ना है, आप लोगों की जो आत्मा बोल रही है, वो खुदा जो है, वो भगवान जो है, वो पूरी करे। क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती, मेरा एक एक शेर है और पीछे जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उन शेरों के बच्चे भी हैं। एक एक शेर है मेरा, आप लोग एक एक शेर आया, आप लोगों को धमका सकता है, आप लोगों को कोई डरा सकता है? ऐसा क्या है उनमें लगा हुआ, या उनके पास ऐसा क्या मशीन गन है
जब चाहो देखते हम वो फलाना छुतुबुड़ा, वो फलाना ऐसा है, वो फलाना ऐसा है। आप लोग शेर हो, शेर के बच्चे हो। एक छोटा सा चुनाव आ रहा है, एक छोटा सा चुनाव है ये, जो कि आपने आज से पहले जीत लिया है। ये भी आपको बता दूं है, इस बात का आपको ज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं। यूं तो शनिवार को ही पूरे देश में विजयदशमी पर रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए, लेकिन हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में मेला कमेटी द्वारा तैयार की गई 30 फुट के पुतलों को रविवार को जलाया गया। इस मौके पर शहरवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और दशहरा कमेटी द्वारा लगाए गए मेले में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में रविवार को रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। शहरवासियों के हर्षोल्लास के बीच नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने भी इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बाल स्कूल खेल मैदान में आयोजित दशहरा पर्व के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पूजा अर्चना करने के बाद रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले को आग के हवाले किया। मेला कमेटी ने 30 फुट के पुतलों का निर्माण करवाया था। इस दौरान प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि विजयदशमी पर राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष दीप कुमार बजाज और नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही शहर के बुद्धिजीवियों ने भी इस मौके पर हिस्सा लिया। चलते चलते रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ग्रामीणों के साथ सफाई अभियान में लिया हिस्सा। प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति में कमी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के बीच टकराव से मेडिकल कॉलेज के कार्य में आई रुकावट, कहा विधायक विजय अग्निहोत्री ने। जय जवान जय किसान सेवा संगठन के संयोजक सीताराम भारद्वाज ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले जो प्रदेश, देश और विदेश से राजनीति, खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाने का वादा करता है, हर खबर पर होगी पैनी नजर।